हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेखपाल नई भर्ती 2023 के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और दूसरा जो बताऊंगा वो 8085 जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका कोर्ट में क्या अभी चल रहा है मैटर, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद अभी अभ्यर्थियों की क्या मांग है, और जिन लोगों ने याचिका डाला हुआ है उनकी क्या मांग है। दूसरी जो याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में पड़ी थी उसमें क्या फैसला है, क्योंकि 16 मार्च को उसकी सुनवाई होनी थी, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले बात करूंगा लेखपाल नई भर्ती की, जिसमें 12,696 वैकेंसी आपकी आनी है इन 8085 को छोड़ के। सबसे पहले 8085 भर्ती आपकी पूरी की जाएगी, इसका रिजल्ट निकलने के बाद आपका फिर 12,696 वैकेंसी की बात होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको नई भर्ती के बारे में बताते हैं और पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है, परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद खाली हैं, मतलब इसके अलावा जो है आपके 12,696 पद खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अध्याचन भेजा जाएगा, ठीक है। और इस पद खाली होने से नहीं हो पा रहा तबादला, तो जो ये आपके 12,696 पद हैं ये जो है तभी पूरे हो पाएंगे जब आपकी 8,085 लेखपाल की भर्ती है कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके 12,696 पद का अधियाचन जो है वो भेजा जाएगा राजस्व परिषद आयोग को, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आपके नई भर्ती की जानकारी, 12,000 से अधिक पद हैं खाली अभी। अब बात करते हैं आपका कोर्ट का, कि कोर्ट का मैटर क्या चल रहा है। जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था वो यही था कि लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में एफ सीरीज कि प्रश्न संख्या 88 का उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया है। तो ये दोस्तों हो गया आपका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आप इसमें देखेंगे एफ सीरीज के बुकलेट में प्रश्न संख्या 61, 78, 88, 92 और 93 के सवालों के उत्तर विकल्प सही नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्न संख्या 61, 92 और 93 के उत्तर को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट की अलग पीठ ने विचार कर खारिज कर दिया है। अब केवल सवाल 78 और 88 को लेके है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि 78 और 88 पे ही इन्होंने दिया है, और 88 में डी जिन्होंने चुना था उनको अतिरिक्त अंक मिला है। अब बात करते हैं लखनऊ की, और इस याचिका पे जो हाईकोर्ट ने फैसला सुना है उस पर क्या अभ्यर्थियों का रिएक्शन है उसके बारे में आपको। तो दोस्तों, जो हाईकोर्ट से फैसला आया था उसमें क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी याचिकाकर्ता थे वो लोग डबल बेंच में अभी इन्होंने याचिका दायर की है, तो सिंगल बेंच से जो फैसला आया था उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने डबल बेंच में दायर कर दिया है अभी। दूसरा जो लखनऊ हाई कोर्ट में था इसमें भी अभी कोई ऐसा नहीं आया है, ना तो हियरिंग हो रही है, क्योंकि क्या है कि जब हियरिंग होती है तो कभी गवर्नमेंट का एडवोकेट जो है वो नहीं प्रेजेंट रहते हैं, तो कई सारी दुविधा हो रही हैं। तो इस केस को भी लंबा खींचा जा रहा है जबकि आयोग पूरी तरह से तैयार बैठा है। जैसे ही आपका हाईकोर्ट का जो फैसला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का उस पर ही अगर ये लोग अटल रहते हैं तब भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा, तो जल्द ही आपका जारी हो जाएगा जैसे ही ये फाइनल होता है यहाँ पे। तो यही जानकारी आपको देनी थी दोस्तों, बाकी जो भी जानकारी रहेगी आप तक हम लेके आएंगे जरूर। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट के बारे में जो भी सूचना रहेगी, तो सबसे अच्छी खुशखबरी यही है कि 12,696 वैकेंसी आपके लिए तैयार बैठी हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।